एमपी की 230 सीटों पर भीम आर्मी भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। भीम आर्मी ने कहा, समाज में परिवर्तन जरूरी, इससे दलित युवाओं को मिलेंगे अधिकार। एमपी के चुनाव मैदान में भीम आर्मी भी उतरने वाली है। भीम आर्मी एमपी की 230 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए वो लगातार योग्य उम्मीदवार तलाश रही है। छतरपुर के महाराजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कहा कि समाज में परिवर्तन जरूरी है, तभी दलित युवाओं को अधिकार मिलेंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में चंद्रशेखर रावण को भी आना था, लेकिन वे नहीं आए। काम करना ज्यादा बेहतर है, जो इस बात को कर रहा ठीक है, वो इस बात को अगर खुश रहे। हमारा कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, सड़क पर लड़ रहा है। आप आम पब्लिक से जाकर हमारे बीच में पूछिए, हम कौन है, किसकी बीटी में। देखिए, बीटी तो हम है, किसान की, मजदूर की, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की बीटी में। जब उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते, उन पर अत्याचार होता है, जब राजनीतिक परिसर पड़ता है, तो फिर हम उनकी बीटी के रूप में काम करते हैं। ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये हमारी कोर कमेटी, प्रदेश कमेटी तय करती है, लेकिन प्रदेश कमेटी हमारी ये कह रही है, हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।